Hello guys, welcome or welcome back to the channel. This is Tanisha. In case you're watching me for the very first time, do not forget to like, share, subscribe. तो आउटफिट हम बाद में डालेंगे. अभी I'm just wearing like a normal top with this दुपट्टा just to give like a होली का feel. जब भी मैं like ऐसे वीडियो शूट कर रही होती हूँ ना, तो I usually have my hair this side, so I usually wear only one side का झुमका and I'll show you guys. अगर कलर्स वगैरह तो कहीं ना कहीं तो लगेंगे ही, तो उस केस में what we have to do is मैं बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करने वाली हूँ. I'm going to keep it really light and really simple. As far as possible, I will try only to use concealer and all of that, or maybe only to use foundation. You know, oil लगा के जाओ बाल में और स्किन में ताकि कलर्स निकल जाए इजिली. दैट बेसिकली हैपन्स बिकॉज ऑयल क्रिएट्स लाइक अ थिक लेयर एंड वो लेयर के ऊपर ना कलर्स अगर चढ़ते भी है ना तो वो स्टे नहीं करते, आराम से निकल जाते हैं. सो दैट रीजन वी डेफिनेटली हैव टू अप्लाई लाइक थिक लेयर ऑफ क्रीम एंड सनस्क्रीन ऑन द फेस. क्रीम जो मैं यूज़ करने वाली हूँ इज गोइंग टू बी दिस बायोडर्मा क्रीम ओवर ह्योर. दिस इज देयर ऑटोडर्म क्रीम एंड इतनी ज़्यादा थिक क्रीम है, ये ड्राई स्किन टाइप के लिए तो बेस्ट है. समर्स में आई विल नॉट थिंक कि ऑयली स्किन टाइप एंड सेंसिटिव स्किन टाइप वुड लाइक दिस, बट अगर आप ड्राई स्किन टाइप हो, नॉर्मल स्किन टाइप हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. ऑल ओवर इंडिया इन द सिनेमाज जब भी मेट लगी हुई है एंड कल हम देखने गए थे, इतना ज़्यादा मज़ा आया. एंड फॉर सनस्क्रीन आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस 1% हाइलोरॉनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल. पूरी मूवी में थ्रू आउट देवर सेइंग सच मीनिंगफुल थिंग्स एंड आई वाज लाइक लिटरली यार ये चीज़ें मिसिंग है अभी की जो मूवीज बनती है वो. इवन इफ इट्स लाइक अ लव स्टोरी, इट्स नॉट दैट मीनिंगफुल लाइक द वे इट वॉज फिल्म्ड इन दैट टाइम. विल जस्ट यूज द फाउंडेशन इटसेल्फ, या तो फिर आप कंसीलर भी सिर्फ यूज कर सकते हो. दिस कंसीलर ऑफ माइन दैट आई एम यूजिंग ना, दिस इज एक्चुअली 2 shades लाइटर. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ओवर हियर. By the way, talking about my life update is that I have been diagnosed with PCOD, saying signs of PCOD, and it's terrible. It is terrible. There are different signs. Okay, a lot of the people have बहुत ज़्यादा acne हो जाते हैं उनको face में. बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा excessive weight gain हो जाता है, excessive bloating हो जाती है, excessive hair fall होता है. The progesterone levels are high on in my body and that is why ये दिक्कत आ रही है. ये मुझे बहुत time से हो रहा है, ठीक है, class 8-9 से ये problem हो रही है, but it was never diagnosed as PCOD until lately. इतने सारे गाइना चेंज कर लिए हैं but nothing seems to work. तो makeup set करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. Powder, this is from NY Baker loose powder, so I'll just put it over here. Now I have decided to follow a very clean diet and I'm going to follow proper like intermittent fasting. I've already started doing that, but I'm going to cut off all animal products, probably like going vegan. Give it a try because कब तक you can take medicines, you know. हल्का सा हम eyebrows को भी touch up कर लेते हैं एंड उसके बाद हल्का सा ब्रश कर लेती हूँ मैं. वेरी लकीली आई डोंट हैव एक्ने और वेट गेन का इशू, बट बहुत एक्सेसिव ब्लोटिंग रहती है. लाइक ऑल द टाइम माई स्टमक इज ब्लोटेड अंटिल आई गेट माई पीरियड्स इन द मंथ. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ब्लश. मैं बहुत ज़्यादा कॉन्टोर वॉन्टोर भी नहीं करने वाली यार. मतलब ब्लश लाइक ये ब्लश ना एकदम लाइफ है मेकअप. आईज वगैरह पे भी लगा लूँगी. एंड ट्रस्ट मी यू गाइज, ये जो मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ, इफ दैट वर्क्स आउट रियली वेल, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड लेट यू गाइज नो, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ द गर्ल्स हैव दिस. एंड बहुत लोग मेडिसिन के पीछे पड़े हैं, पर मेडिसिन से सब कुछ नहीं होने वाला है. मैं थोड़ा सा इसको ऐसे मिक्स फॉर द आई लुक. व्हाट आई वांट टू डू इज मेरे को थोड़ा सा सिर्फ एक आई पॉप चाहिए, यू नो लाइक. उसके बाद आई हैव दिस कलर बोर्ड फ्रॉम ब्यूटी ग्लेज एंड ये कोई प्रॉपर ब्रांड वगैरह नहीं है, ये बिगिनर्स मेकअप किट के लिए शायद मैंने ये वाला लिया था. ये देखो, इट इज एक्चुअली प्रीटी पिगमेंटेड. लोड्स एंड लोड्स ऑफ कलर, लाइक सारे शेड्स है, येलो, पर्पल, पिंक्स. यहाँ पे इसको आई थिंक दिस इज इनफ. इससे ज़्यादा लगाने से ना फिर अच्छा नहीं लगेगा. इसके बाद हम लोग लगा लेते हैं आई लाइनर. आई वॉज थिंकिंग कि मैं शायद आई शैडो के साथ ही आई लाइनर लगा लूँ, लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ होली लुक and it can smudge off very easily. Oh, that's it. I dipped my eyeliner off the screen. Mascara कुछ भी एक्स्ट्रा हम नहीं करने वाला है. मैं कॉन्टोरिंग वगैरह भी नहीं करने वाली हूँ. जस्ट लेट्स पॉप ऑन टू द लिपस्टिक ओवर हियर. एंड सबसे पहले ऑब्वियसली मैं लिप लाइनर तो लगाऊंगी. मतलब मेरा लिप्स look without lip liner is like not possible. The brown lip liner and this one is from Wet n Wild. Inexpensive hai ye bhi, just for 149 rupees or something like that. And then I'm going to use this NYX lingerie lipstick collection. This is again in the shade रफल ट्रिम एंड एकदम ही न्यूड शेड है ये, बहुत ज़्यादा न्यूड शेड है ये एक्चुअली, हल्का सा सिर्फ मैं। Then I have this Mama Earth का liquid lipstick which is in the shade 04 Choppy Cherry। हल्का सा सिर्फ हमें डैब करना है वो कोरियन लिप लुक टाइप का। बहुत ही सिंपल है और क्यूट है। मैं दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक as well। ये है क्यूट से पिंक सनग्लासेस that I have added and मैंने एक हॉल बनाया जिसमें इस सनग्लासेस के बारे में पूरी डिटेल है, बट फिर भी मैं इस वीडियो के नीचे भी आपको दे दूंगी इसका लिंक। एंड इट इज़ सुपर प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल, पिंक कलर का शेड है ये, बहुत लाइक होली एप्रोप्रिएट लुक है ये। And if you need more options of the kurtas, I've already made a video on that. That is like a Flipkart का kurti haul, and there you can see वहाँ पे बहुत सारे मैंने outfit के options दिए हैं होली के लिए specifically. Yeah, that is pretty much it. I hope you guys liked it. I hope you guys enjoyed it. I'll see you until next time. Take care of yourself. Bye bye.